आज अप्लाई करने आज जा रहे हैं, फाइनली कोर्ट पर उनको विश्वास हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट के ऊपर तो उनका विश्वास पहले से, हमारा सभी का है, लेकिन कोर्ट का हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। आज हम विश्वास रखते हैं, लेकिन कोर्ट किसी और पर विश्वास रखकर न्याय और निर्णय देते हैं। राहुल जी के बारे में या जो अपोजिशन है प्रमुख, उनके बारे में कोर्ट का ये रवैया है। देखिए, राहुल जी के बारे में जो मुकदमा है वो बहुत ही बोगस और गलत है। जो निर्णय दिया है वो टिकने वाला नहीं है। तो राहुल जी आप सेशन कोर्ट चले गए हैं और मुझे विश्वास है कि जरूर न्याय मिलेगा। बिहार और बंगाल में जिस तरह वायलेंस रामनवमी के बाद से लगातार हो रही है, रामनवमी ये क्या वायलेंस का दिन है क्या? रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम जन्मोत्सव मनाते हैं और कुछ लोग दंगे करते हैं, कौन है उसके पीछे? हमारे गृहमंत्री कल बोल रहे थे कि दंगेखोर जो है उनको हम उल्टा लटकाएंगे जब हमारी सत्ता आएंगी फलाना फलाना स्टेट में। तो अभी आप देश के गृहमंत्री हो, अभी लटकाइए, लेकिन जो गुनहगार आप पकड़ेंगे वो बोगस मत पकड़िए। कौन कर रहे दंगे सबको मालूम है, चुनाव 2024 का चुनाव को नजर में रखकर आप दंगे कर रहे हैं, आपके पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता वातावरण में तनाव पैदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अभी खड़गे जी ने भी यही कहा कि सब कुछ बीजेपी ही करवाती है। देखिए, ये रामनवमी का दंगों का पैटर्न 2 साल से शुरू हो गया है। रामनवमी कभी इस प्रकार से दंगे नहीं होते थे। अब हमारे महाराष्ट्र में हमारा गुड़ी पड़वा नवीन न्यू ईयर्स होता है हिंदुओं का, बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, इस बार भी निकली। रामनवमी से पहले 4 दिन पहले गुड़ी पड़वा था, बड़ी बड़ी शोभा यात्रा मुंबई में निकली, पुणे में निकली, हर जगह पे निकली, दंगे नहीं हो गए, एक पत्थर तक नहीं हो गया। तो अचानक 2 दिन के बाद रामनवमी दंगे होते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए। व्यक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं, तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया।